वैसे तो चावल के पापड़ कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एक छोटी कटोरी चावल से हम बहुत ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। इससे ना तो चावल के पापड़ फटेंगे और ना ही धूप की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से आप फटाफट मिनटों में ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सफेद और पतले चावल के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। चावल के पापड़ की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी अरवा चावल 24 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। तो चावल हम जितना ज्यादा भिगाएंगे पापड़ उतना ज्यादा खस्ता बनेगा और उतना ही ज्यादा फूलेगा। तो मैंने इसको 24 घंटे के लिए भिगाया था। और चावल भिगाते समय ध्यान रखिए कि इसका पानी सुबह शाम दोनों समय चेंज करिए, नहीं तो चावल से महक आने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर चावल को 24 घंटे के लिए भिगा दिया था, तो इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो मैंने इसी कटोरी से चावल लिया था, तो इस तरह से आप भी कोई कटोरी या गिलास ले लीजिए, उसी नाप से चावल लीजिए। तो नाप से जब चावल लेंगे तो पानी लेने में भी आसानी होगी। तो चावल का सारा पानी निकालने के बाद मिक्सी जार में डाल देंगे। अब जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और बिल्कुल महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चावल फूला हुआ है तो इसका पेस्ट तैयार करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और पूरा एक कटोरी पानी पेस्ट तैयार करने में लग गया है। अब मिक्सी जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा रहता है तो इसमें लगभग 1/4 कटोरी पानी डालकर इसको भी मिला लेंगे। तो इस कटोरी से पेस्ट तैयार करने में पूरा 1/4 कटोरी पानी लगा है, क्योंकि ये चावल 24 घंटे के लिए फूला रहता है तो पानी का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। और अभी मैं आपको ये घोल भी दिखा दूंगी किस तरह से होना चाहिए। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। तो इसका बैटर देखिए बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है। इस तरह से चम्मच में देखिए बैटर का एक लेयर जैसा बन गया है और इसको जब हम उंगली से हटाएंगे बीच में गैप बना हुआ है, तो बस इतना गाढ़ा ही चाहिए। और आपको अगर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इस तरह का प्लेट तो हर घर में होता है, आपके पास भी होगा ही, पोहा प्लेट बोलते हैं इसको। तो इसमें मैं पापड़ बनाऊंगी तो बहुत जल्दी जल्दी और बड़े बड़े पापड़ बनकर तैयार होंगे। और आप अगर छोटे साइज के बनाना चाह रहे हैं तो छोटा प्लेट ले लीजिए, लेकिन बिल्कुल फ्लैट प्लेट लीजिए जिससे कि पापड़ आसानी से बन सके। तो इसको हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये बैटर 1 चम्मच इसमें डालेंगे और इस तरह से हिलाते हुए पूरे प्लेट में फैला लेंगे। बैटर का पतला लेयर प्लेट के ऊपर लगना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा लेयर ना करें, नहीं तो पापड़ भी मोटा बनेगा। तो जितना प्लेट में जरूरत हो उसके अनुसार बैटर डालकर इस तरह से फैला लीजिए। और अगर प्लेट में बैटर थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है तो वापस से इसको बाउल में गिरा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने 2 प्लेट यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। तो अब इसको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 ग्लास पानी करके गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 1 वायर स्टैंड रख के 1/4 टुकड़ा नींबू का डाल दिया है। जब भी हम कढ़ाई या एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में पानी उबालते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि पानी का दाग लग जाता है, तो इस तरह से नींबू का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो दाग नहीं लगेगा। कढ़ाई या जिस भी बर्तन में आप स्टीम कर रहे हैं वो बर्तन खराब नहीं होगा। तो इसको ढककर लिड के छेद में मैंने थोड़ा सा कागज लगा दिया है ताकि पानी में जल्दी से उबाल आने लगे और इसका स्टीम बाहर ना निकले। पानी में अच्छे से उबाल आने लगे तब ये प्लेट इसमें रख कर ढक देंगे और फ्लेम मीडियम करके बस 30 से 40 सेकंड के लिए स्टीम होने देंगे। इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 30 से 40 सेकंड के अंदर ही ये पक जाता है। इसी तरह से आप 1 प्लेट स्टीम करने के रखिए और दूसरे प्लेट में ऑयल लगाकर ये बैटर डालकर तैयार रखिए। तो 1 प्लेट निकालिए और दूसरा प्लेट इसमें रखकर फिर से 30 से 40 सेकंड के लिए पकने देंगे।
तो बहुत आसान तरीके से पापड़ बन जाएगा और इसमें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही ढेर सारा पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस प्लेट को मैंने पहले स्टीम करके निकाला था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब चाकू से इसकी किनारी को इस तरह से अलग कर लेंगे और अब इस तरह से संभाल कर ये पापड़ बाहर निकाल लेंगे। पापड़ बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसको निकालिए, नहीं तो गर्म रहता है तो हाथ के जलने का डर होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये पापड़ प्लेट से निकल जाता है और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पतला पापड़ बना है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं मोटा कहीं पतला है, एकदम एक बराबर पापड़ बना है। अब पापड़ निकाल कर एक ही प्लेट पर रखते जाइए, ये चिपकेंगे नहीं। जब 8-10 पापड़ हो जाए तब फिर इसको पॉलीथीन या कपड़े पर फैला दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन बिछा दिया है और मैंने कुछ पापड़ भी इस पर फैला दिया है। इस तरह से मैंने देखिए प्लेट में ही 5-6 पापड़ रख लिया था, तो एक एक करके ये पापड़ पॉलीथीन पर डाल देंगे। ये पापड़ आपस में चिपकते नहीं है, संभाल कर इस तरह से प्लेट से निकालेंगे और पॉलीथीन पर डाल देंगे। और मैं ये पापड़ रात के समय बना रही हूँ तो बहुत बढ़िया ये पापड़ बना है, एकदम पतला है। इसमें से आपको मेरी उंगलियां भी दिख रही होंगी और ये चिपक भी नहीं रहा है। तो इस तरह से मैंने सारा पापड़ फैला दिया है। तो सिर्फ एक छोटी कटोरी चावल से देखिए कितने ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं फैन ऑन करके रात भर के लिए इस पापड़ को फैन की हवा में सूखने दूंगी। तो जिस पापड़ पर फैन की हवा अच्छे से लगेगी वो पापड़ रात भर में सूखकर तैयार हो जाएगा। सारा पापड़ फैलाने के बाद फैन मैंने ऑन कर दिया था और 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पापड़ सूखने लगा है। ये देखिए, इसको एक साइड से पलट देंगे ताकि ये टेढ़ा ना हो। तो इस तरह से मैं सारे पापड़ को पलट दे रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि पापड़ किस तरह से सूखा है। तो नेक्स्ट डे देखिए हमारा पापड़ पूरी तरह से सूख चुका है और गर्मी के समय में ये पापड़ एक रात में ही सूखकर तैयार हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी काफी पड़ती है और गर्मी के समय में फैन की हवा भी गर्म हो जाती है, जिससे ये पापड़ रात भर में ही सूखकर तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो ये पापड़ धूप में भी बना सकते हैं। अगर आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए, फिर स्टोर करके रखिए। चावल का पापड़ वैसे तो थोड़ा बहुत फट ही जाता है, लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एक पापड़ नहीं फटेगा। देखिए एक भी पापड़ नहीं फटा है। तो अभी मैं कुछ पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ और बाकी पापड़ धूप में सुखा कर फिर स्टोर कर लूंगी। तो फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। गरम ऑयल में ये पापड़ डालेंगे और सब तरफ से प्रेस करते हुए फूल जाए फिर निकाल लेंगे। ये पापड़ काफी बड़ा है तो इस तरह से सब तरफ से दबाते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो पापड़ देखिए बिल्कुल बढ़िया सफेद बनकर तैयार हो रहा है और बहुत बढ़िया फूल रहा है। साइज में डबल या ट्रिपल हो जा रहा है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से बिना धूप और थोड़े से मेहनत से आप ढेर सारे चावल के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये पापड़ बनाना इतना आसान है कि आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर ले। बहुत बढ़िया खस्ता पापड़ बना है, ये देखिए मैं तोड़कर दिखा रही हूँ। और ये साइज में भी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से चावल का पापड़ आप बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।